Hello friends, my name is Pawn again. I welcome you all to my YouTube channel Electrical Tutorial and Solution. Friends, in series of Network Theorem, today we are going to discuss about Norton Theorem. Norton Theorem, which is almost similar to Thevenin Theorem, except that instead of the voltage, we need to find a current source and the circuit resistance across the load is going to be placed in parallel with the current source. तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं. नॉर्टन थ्योरम सिमिलर टू थेवेनिन थ्योरम इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द लीनियर एक्टिव बायलेटरल नेटवर्क. बायलेटरल का मतलब होता है वो डिवाइसेस जिसमें करंट दोनों डायरेक्शन में फ्लो कर सकती है, फॉर एग्जांपल रेजिस्टेंस. और इसके अगेंस्ट यूनिलैटरल डिवाइस वो डिवाइस होते हैं जिसमें करंट सिर्फ एक डायरेक्शन में फ्लो करती है, फॉर एग्जांपल डायोड. डायोड सिर्फ फॉरवर्ड बायस में काम करता है, रिवर्स में नहीं करता. सो इट इज़ अ यूनिलैटरल डिवाइस. और अगर आपके सर्किट में कोई भी यूनिलैटरल डिवाइस या नॉन लीनियर एलिमेंट प्रेजेंट है, वहाँ पे आपकी नॉर्टन थ्योरम, थेवेनिन थ्योरम ये यूज नहीं होती हैं. तो चलिए नॉर्टन थ्योरम को एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं. ये वही एग्जांपल है जो मैंने आपको थेवेनिन थ्योरम को एक्सप्लेन करने के लिए बताया था, जिसमें मैंने बताया था अगर आपको किसी लोड, यानी कि हमने R6 को एज ए लोड ट्रीट किया है, तो R6 के अक्रॉस कैलकुलेशन करने के लिए थेवेनिन थ्योरम में इस पूरे नेटवर्क को कन्वर्ट कर दिया जाता है एक वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विद द रेजिस्टेंस. और नॉर्टन थ्योरम में क्या करते हैं, जिस लोड के अक्रॉस, जिस ब्रांच के अक्रॉस आपको कैलकुलेशन करनी है, उस ब्रांच के अक्रॉस पूरे नेटवर्क को आप कन्वर्ट कर देंगे एक करंट सोर्स इन पैरेलल विद द रेजिस्टेंस. अब हमें सिर्फ दो चीज़ चाहिए. अगर आपको करंट सोर्स IN और RN, यानी कि नॉर्टन इक्विवेलेंट करंट एंड नॉर्टन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल जाए, तो आपका ये पूरा नेटवर्क कन्वर्ट हो जाएगा इसमें, जिसकी कैलकुलेशन काफ़ी इजी होंगी. सो नॉर्टन थ्योरम हमसे कहती है फॉर कैलकुलेशन अक्रॉस एनी ब्रांच इन द सर्किट, होल नेटवर्क अक्रॉस द सर्किट इज कन्वर्टेड इनटू अ करंट सोर्स इन पैरेलल विद द रेजिस्टेंस. दैट करंट सोर्स इज नोन एज नॉर्टन इक्विवेलेंट करंट सोर्स एंड द रेजिस्टेंस इज नोन एज नॉर्टन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. IN यानी कि नॉर्टन इक्विवेलेंट करंट सोर्स की वैल्यू को फाइंड करने के लिए जो भी आपका गिवन लोड है जिसके अक्रॉस आपको कैलकुलेशन करनी है, उसको रिमूव करके इसके बदले यहाँ पे एक शॉर्ट सर्किट कर दीजिए. अब जितना करंट इस ब्रांच में फ्लो करेगा, ISC शॉर्ट सर्किट, जितना करंट इस ब्रांच में फ्लो कर रहा है वही आपका नॉर्टन इक्विवेलेंट करंट होगा. IN इज इक्वल टू ISC. तो इस तरह से आप IN की वैल्यू को फाइंड करेंगे. दूसरा जो आपने फाइंड करना है वह है नॉर्टन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. देखिए थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आपने कैलकुलेट किया था और जो आप नॉर्टन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर रहे हैं, इन दोनों की वैल्यू और मेथड सेम होता है. इसका मतलब जो भी आपने मेथड थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को निकालने के लिए यूज़ किए थे, वही आपकी नॉर्टन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को निकालने के लिए यूज़ होंगे. डिफरेंस बस इतना होगा कि ये रेजिस्टेंस करंट सोर्स के पैरेलल में प्लेस होगा, जबकि थेवेनिन थ्योरम में वो वोल्टेज सोर्स के सीरीज में प्लेस होता था. इसका मतलब हमारे पास तीन इंपॉर्टेंट मेथड होंगे थेवेनिन इक्विवेलेंट या नॉर्टन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए. पहला, वोल्टेज सोर्स कोई है तो शॉर्ट कर दीजिए, करंट सोर्स है तो ओपन कर दीजिए. दूसरा, RN इज इक्वल टू VOC अपॉन ISC, ओपन सर्किट वोल्टेज अपॉन शॉर्ट सर्किट करंट. और तीसरा, यूज 1 एम्पियर करंट सोर्स. जो पहला मेथड है, इस मेथड का यूज तब किया जाता है जब भी आपके सर्किट में इंडिपेंडेंट सोर्स हो. दूसरे और तीसरे मेथड का इंपॉर्टेंस तब हो जाता है अगर आपके सर्किट में डिपेंडेंट सोर्स भी गिवन हो. अगर आप इन तीनों मेथड का यूज़ करते हुए थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड करना सीखना चाहते हैं, तो लिंक पर क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं. उस वीडियो में मैंने क्वेश्चन के थ्रू, जिसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सोर्स दोनों हैं, उनका यूज़ करते हुए RTH की वैल्यू को फाइंड करने का मेथड बताया है. तो चलिए नॉर्टन थ्योरम को एक एग्जांपल की हेल्प से देखते हैं. तो इस एग्जांपल में आपसे कहा गया है फाइंड नॉर्टन इक्विवेलेंट अक्रॉस 5 ओम. 5 ओम के अक्रॉस नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट को आपने ड्रॉ करना है. नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट को ड्रॉ करने का मतलब है आपको IN और RN इन दोनों की वैल्यू को फाइंड करना है. अगर ये दोनों वैल्यू आपको 5 ओम के अक्रॉस मिल गई, तो आपको नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ हो जाएगा. तो चलिए नॉर्टन इक्विवेलेंट करंट की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं. जब भी आपको नॉर्टन इक्विवेलेंट करंट ड्रॉ करना है, तो जिसके अक्रॉस आपने कैलकुलेशन करनी है उसको पकड़ के शॉर्ट कर दीजिए, यानी कि 5 ओम को रिमूव करके यहाँ पे हमने शॉर्ट कर दिया. अब जितना करंट यहाँ पे फ्लो करेगा ISC शॉर्ट सर्किट करंट, वही आपका नॉर्टन करंट होगा. इसका मतलब IN इज इक्वल टू ISC होगा. अब देखिए ISC की वैल्यू कितनी होगी. जब 3 ओम के पैरेलल का पाथ शॉर्ट सर्किट हो गया है, तो इसमें तो कोई करंट फ्लो करेगा नहीं, इसका मतलब इसे हम रिमूव कर सकते हैं. अब देखिए 6 एम्पियर का करंट सोर्स है और 2 पैरेलल पाथ हैं, तो इस पाथ में फ्लो करने वाले करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी. ISC इज इक्वल टू, करंट डिवीजन रूल कहता है जो भी अपोजिट आर्म का रेजिस्टेंस है वो ऊपर आएगा, 4 अपॉन उन दोनों का सम 4+2 इंटू टोटल करंट सोर्स 6. इसका मतलब 4 एम्पियर ही आपका ISC की वैल्यू होगी. इसका मतलब IN इज इक्वल टू ISC इज इक्वल टू
4 एम्पियर आपका नॉर्टन इक्विवेलेंट करंट होगा। अब आपको सर्किट में नॉर्टन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड करनी है। नॉर्टन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आरएन की वैल्यू को आपने फाइंड करना है। आरएन की वैल्यू को फाइंड करने के लिए फिर से आप लोड को रिमूव कर देंगे, और जो पहला मेथड था इंडिपेंडेंट सोर्स वाला, अगर कोई वोल्टेज सोर्स है तो उसे शॉर्ट कर दिया जाएगा, करंट सोर्स है तो ओपन कर दिया जाएगा। यहाँ पे हमारा करंट सोर्स है तो इसे हम ओपन कर देंगे। जब हमने इसे ओपन कर दिया तो ये वाली ब्रांच हमारी सर्किट से रिमूव हो जाएगी। अब हमारे पास इन दोनों के अक्रॉस इस टाइप से पैरेलल पाथ बना, 4 और 2 ओम सीरीज में है तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। ऐड हो गए क्या बन जाएंगे, 6 ओम। अब 3 ओम एंड 6 ओम पैरेलल है तो आरएन इसके अक्रॉस का जो भी रेजिस्टेंस होगा वही आपका आरएन होगा। तो आरएन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 × 6 दोनों पैरेलल में है अपॉन 3 + 6, इसका मतलब 3 × 6 / 9, 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 6 यानी कि 2 ओम। आरएन की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 2 ओम आ जाएगी। तो जो भी आपका ओरिजिनल सर्किट था जो कि ये था, वो आप कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एक 4 एम्पियर का करंट सोर्स इन पैरेलल विद 2 ओम रेजिस्टेंस जिसके अक्रॉस लोड कितना होगा गिवन सर्किट में, 5 ओम होगा। तो ये सर्किट अब हमारा इक्विवेलेंट 5 ओम के अक्रॉस इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, जिसमें इतना पूरा पाथ कन्वर्ट हो चुका है सिंपल एक करंट सोर्स इन पैरेलल विद द रेजिस्टेंस।